हेलो दोस्तों, सफर ऑन व्हील्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अपने साथ में लेकर चलूंगा श्रीनगर, और इस वीडियो में आप जानेंगे मेरी हाउस बोट का एक्सपीरियंस, और उसके साथ में मैं आंसर करूंगा बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कि लोग पूछते हैं कि जो डल लेक का पानी होता है वो वहाँ पर रुका हुआ होता है तो क्या उसकी वजह से वहाँ पर स्मेल होती है या फिर वहाँ पर मस्कीटोज होते हैं। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा, और इस वीडियो में मैं शिकारा का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं अपनी कश्मीर सीरीज के 5वें दिन का एक्सपीरियंस, और इससे पहले मैंने पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग को एक्सप्लोर किया था, और उससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। दोस्तों, आज मेरा कश्मीर में 5वां दिन है, और अभी मैं आया हूँ जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में, और सामने आप जो देख रहे हो ये है श्रीनगर की सबसे आइकॉनिक जगह लाल चौक, और लाल चौक के पास में ही है यहाँ की वर्ल्ड फेमस डल लेक। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कश्मीर आए हो और डल लेक नहीं गए तो आपका कश्मीर टूर अधूरा है। डल लेक की हाउस बोट्स को यहाँ का हेरिटेज बोला जाता है, और अगर आप पहली बार श्रीनगर आए हो तो यहाँ पे तो आपको एक बार जरूर रुकना चाहिए और इस एक्सपीरियंस को आपको लेना चाहिए। दोस्तों, आपने जैसे मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग गुलमर्ग गए थे, और गुलमर्ग से हम लोग शाम को वापस श्रीनगर आ गए थे, तो कल रात को हमारा स्टे हाउस बोट में था। तो हाउस बोट में जाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो घाट्स बने हुए होते हैं वहाँ तक आपको आना होता है, तो इसी के लिए हमारे ड्राइवर भैया ने हमको घाट नंबर 7 पे उतारा था। और जब आप एक बार घाट पे पहुँच जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखेंगी बहुत सारी शिकारा, तो इन्हीं शिकारा बोट्स पे बैठ के आप लोग अपने हाउस बोट्स तक जाते हो। दोस्तों, शिकारा में बैठ के हम लोग पहुँच गए हैं हमारी हाउस बोट, और सबसे पहले कर लेते हैं इसका एक छोटा सा टूर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके इंटीरियर्स काफी कमाल के हैं और ये काफी रॉयल वाइब्स दे रहे हैं। सबसे पहले हमें दिखता है यहाँ पे एक लिविंग एरिया, और इसी के थोड़ा अंदर हम जाएंगे तो वहां पे हमको दिखेगा डाइनिंग एरिया। और इसके बाद में है यहाँ पे 2 रूम्स, और जो हमारे हाउस बोट का प्लान हमने जो लिया था इसमें हमारा आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाउस बोट में खाने के ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं, तो अगर आपका कुछ पर्टिकुलर खाने का मन है तो आपको शिकारा लेकर मार्केट जाना पड़ेगा, वहां पे मेन मार्केट में आपको वो चीज मिलेगी, क्योंकि हाउस बोट हमेशा पानी में रहती है, तो यहाँ पे आपको चीजों पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, काफी लोगों की तरह मेरे को भी ये डाउट था कि डल लेक के अंदर या फिर हाउस बोट में मच्छर तो नहीं होते या फिर वहां पे स्मेल तो नहीं होती, तो इस चीज को मैंने अपने टूर ऑपरेटर के साथ पहले ही कंफर्म कर लिया था। तो मैंने जब हाउस बोट में एंटर किया, मच्छर जैसी कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं थी और स्मेल जैसा भी वहां पे कुछ नहीं था, तो मेरा एक्सपीरियंस वहां पे अच्छा था। दोस्तों, जो हमारा कश्मीर का पैकेज था उसी में हमको 1 घंटे की शिकारा कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सुबह शिकारा राइड पे जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठे तो बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तो हमको ये प्लान थोड़ा सा डिले करना पड़ा, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद में मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया। और जब हम निकले तब भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन उसने मौसम को और भी ज़्यादा सुहाना बना दिया था। दोस्तों, जब आप खुद से शिकार राइड बुक करते हो तो ये आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिसके बेसिस पे ये आपको एक पैकेज बना के देंगे, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उस पैकेज को कस्टमाइज भी करवा सकते हो, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो ये आपको पैकेज में प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मीना बाजार, फ्लोटिंग गार्डन, चार चिनार, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये आपको लेकर जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली ये आपसे इस चीज़ के 500 से 2500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 घंटे डल लेक के अंदर इनफ है, अदरवाइज आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो, लेकिन वो आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर है कि अगर आपको ज़्यादा घूमना है तो आप बड़ा पैकेज भी इनसे कस्टमाइज करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी पैसे ये लोग आपसे कोट करें उसको आप ज़रूर बार्गेन करो, और बार्गेन करने के बाद में क्या पता आपको हाफ से भी कम रेट में ये लोग बता दें, क्योंकि एज अ टूरिस्ट आपसे हमेशा 2 से 3 गुना रेट ये लोग कोट करेंगे, और सब चीज़ डिपेंड करती है आप कितना बार्गेन कर सकते हो। तो अगर आप कश्मीर आए हो तो आप जम के बार्गेन करो। Thank you.
दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के मीना बाजार, जहाँ पे आपको मिलेगी कश्मीरी क्लोदिंग, ज्वेलरी, आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट और भी बहुत सारी चीज़ों की शॉप्स। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से कोई भी सामान ना खरीदें, क्योंकि इसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती और प्राइस भी ये लोग आपसे कई गुना कोट करेंगे। दोस्तों सामने आप जो लोकेशन अभी देख रहे हो, यहाँ पे हैदर मूवी की शूटिंग हुई थी। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपका हाउस बोट या शिकारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में होगा। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को।